हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है, हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये CSIR के पार्ट मीन जनरल एप्टीट्यूड में आता है, गेट के एग्जाम में भी आता है, चाहे वो गेट का कोई भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, और जो गेट का जो जिनमें जनरल इंजीनियरिंग के होते हैं वहाँ पे जो मैथमेटिक्स का पार्ट आता है वहाँ पे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे हर जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, फिर हम इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पे nth टर्म हम किसको बोलते हैं, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, और ये ही सेम चीज़ें हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में देखेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस को ही हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये बेसिक चीज होगी। फिर उसके बाद ध्यान आपको रखना है ये भी एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, और ये भी एक क्या होती है, सीक्वेंस होती है। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना, सीक्वेंस हमेशा इन्फानाइट होती है। इन्फानाइट मीन्स उसके अंदर इन्फानाइट ही टर्म्स होंगी। तो आगे कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसमें इन्फानाइट टर्म है या नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए समझ लो सीक्वेंस में हमेशा इन्फानाइट टर्म्स होती हैं। अब किस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं और किस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलेंगे, तो उसका यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये है कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें सभी टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, हर कंटिन्यूअस टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, एक एक कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उस कांस्टेंट मीन्स अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, ये कोई सीक्वेंस है, इसको अगर हमें बताना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसका मतलब हर टर्म लगातार दो टर्मों का डिफरेंस। यहाँ पे दो टर्म है, इनका डिफरेंस a2 माइनस a1 होगा, यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या होगा, a4 माइनस a3, पैटर्न में लेके चलना। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये दो टर्म a6 माइनस a5, और ये भी लिख सकते हैं हम a3 माइनस a2, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फिर a5 माइनस a4। ये जितने भी हमने यहाँ पे डिफरेंस लिखे हैं ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारे किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होंगे, तब हम इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल तो नहीं होता कि हम हर टर्म का चेक कर सके, तो वहाँ पे अगर जनरल टर्म गिवन होती है तो उससे हम चेक करते हैं। नेक्स्ट बात आती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये भी एक कोई सीक्वेंस होगी, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, ये सब इसके क्या है, टर्म्स हैं। तो पहली बात, अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम डिफरेंस की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमने वहाँ पे की थी कि हर एवरी टर्म का हमने क्या लिया था, डिफरेंस लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, हर टर्म का रेशियो लेंगे। और हर टर्म लेने का मतलब हर लगातार टर्म लेनी है। ठीक है, और सेम पैटर्न में लेनी है कि अगर हम पहले नेक्स्ट वाली टर्म लिख रहे हैं उसमें जो माइनस कर रहे हैं वो उससे प्रीवियस टर्म करें, तो हमें आगे तक ऐसा ही करता जाने होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे तो हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, अगर हमने a2 / a1 लिखा है तो जो भी रेशियो लिखेंगे उसमें ऊपर जो न्यूमिनेटर है वहाँ पे नेक्स्ट टर्म आएगी, डिनोमिनेटर में प्रीवियस टर्म आएगी। तो नेक्स्ट रेशियो हम लिख लेंगे a3 / a2 / a4 / a3, हर लगातार दो टर्म लिखनी है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं लिखना a4 / a2, ये रेशियो हमें नहीं चेक करना, कंटिन्यूस टर्म का ही रेशियो चेक करना है। सिमिलरली हमें यहाँ पे a4 - a2 चेक नहीं करना, यहाँ पे क्या होगा a4 - a3। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो डिफरेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ये जो रेशियो आएगा ये भी क्या होना चाहिए, हर दो टर्म का क्या होगा, सेम होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, इस कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है,
और यहाँ पे कुछ और नोटिशंस आती हैं, जैसे फर्स्ट टर्म कोई पर्टिकुलर, जैसे फर्स्ट टर्म A1 लिखी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम एक जर्नल फर्स्ट टर्म को हम नोटिशन देते हैं, सिर्फ स्मॉल ए से लिख देते हैं कि उसको क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी, चाहे वो अर्थमेटिक सीक्वेंस हो या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो। फिर इसके बाद मैंने बात की थी कि हम nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म इनकी बात करेंगे। तो देखिए वो क्या होते हैं, इसमें मान लीजिए हमारे पास टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4। अब यहाँ पे इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती है, तो हम हर टर्म को तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे कुछ हम ऐसे करके छोड़ देंगे एंड सो ऑन। इसी पैटर्न में टर्म, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, उसी पैटर्न पे टर्म क्या जा रही है, कंटिन्यूस आगे चलती जा रही है। तो कोई हमसे पूछे इस सीक्वेंस की या इस अर्थमेटिक सीक्वेंस की मुझे 100th टर्म बताओ, या मुझे वो बोले इसकी 500th प्लेस पे कौन सी टर्म होगी, ये चीज़ें बताओ, ठीक है। तो हम ऐसा तो नहीं हम 5th टर्म निकालेंगे, फिर 6th, 7th, 8th, 9th और फिर हम 100 तक जाएंगे, ऐसे तो हम कैलकुलेट करते जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि इसके nth टर्म को हम लिख लेते हैं nth, nth मीन्स n कोई भी नेचुरल नंबर, n के प्लेस पे हम 100 रख सकते हैं, 500 जो भी टर्म हमें चाहिए वो n के प्लेस पे हमें लिख सकते हैं, मीन्स कोई भी एक नेचुरल नंबर। तो nth टर्म इसको हम बोलते हैं nth टर्म, इसको an या tn से हम डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस एन माइनस वन टू डी। यहाँ पे a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, n क्या है जो टर्म हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, 100 निकाल रहे हैं तो 100 लिखेंगे n के प्लेस पे, 500 निकाले तो 500, d यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस है हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गया nth टर्म का फॉर्मूला किसके केस में, एपी के केस में या अर्थमेटिक सीक्वेंस के केस में। अगर हम जीपी की बात करते हैं तो ऐसे ये भी मान लिया हमने कोई एक जीपी है, तो इसकी जो nth टर्म होगी, इसको an लिख दो या tn, वो क्या होगी, a यहाँ पे जैसा जो पैटर्न यहाँ पे था वही पैटर्न सेम यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस में जहाँ प्लस होता है वहाँ वो जीपी में जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे जो माइनस होता है वो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट टर्म थी फिर प्लस में ये था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे क्या रहेगा कॉमन रेशो ए आर, और इसकी पावर क्या हो जाती है एन माइनस वन। ये यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला है जीपी में, ए वही सेम चीज़ है फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है हमारे पास, एन हमारा जो टर्म हमें चाहिए उसका नंबरिंग है, ठीक है। तो ये तो होगी nth टर्म की बात। अगर अब हम बात करें सम ऑफ n टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले लिखेंगे हम, एपी का भी लिखेंगे और जीपी का भी लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया हर एक सीक्वेंस इनफाइनाइट होती है या मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट n, कि हमें कोई भी एक एपी है या जीपी है उसने पूछ लिया इसकी 200 टर्म्स का सम निकालो, तो हम उस सीक्वेंस का एक पोर्शन उठा रहे हैं, ठीक है, जो जिसमें कितनी टर्म्स हैं 200 टर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि उस एपी या जीपी में ओनली सिर्फ 200 टर्म्स, उसमें इनफाइनाइट रहेंगी, हमने उसका एक पोर्शन उठाया है फाइनाइट टर्म्स का और उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स में एपी में फॉर्मूला होता है हमारे पास एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला बताया मैंने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस का। तो यहाँ पे आपको सिंबल्स का मीनिंग पता है, एन कितनी टर्म्स का हम सम निकाल रहे हैं, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे एन भी वही चीज़ है, दोनों सेम है, डी हमारा यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, तो कैसे लिख दूँ, एन बाई टू, टू ए को मैं लिख दूँ एन ए प्लस ए, टू ए को लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, मैंने ये लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये किस चीज़ का फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का, nth टर्म का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है, ए एन मीन्स nth टर्म, और यहाँ पे हम n टर्म का डिफरेंस सॉरी सम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो an होगी ये लास्ट टर्म होगी जिस पोर्शन की हम बात करें, जैसे हमने बोल दिया
100 टर्म्स का, फर्स्ट 100 टर्म का सम निकालो, और ये an क्या है, 100 टर्म है, मींस जो हमने पोर्शन उठाया है उसका क्या है, ये लास्ट टर्म है। तो ये चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, ये उस पोर्शन की लास्ट टर्म है ना कि सीक्वेंस की, क्योंकि ये काफी टाइम आगे जाके आपको कंफ्यूज करेगा कि अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे बताएंगे कि सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स होती, कभी भी फाइनाइट टर्म्स नहीं होती। फिर आप में एक सोचेंगे, यार हमने तो स्कूल में पढ़ा था कि लास्ट टर्म भी आई थी हमारी, हमारी लास्ट टर्म आ गई मीन्स वो फाइनाइट टर्म्स थी, तो ऐसा नहीं है, ये उस पोर्शन की लास्ट टर्म है ना कि उस सीक्वेंस की। तो ये फॉर्मूला हो गया, याद कर लेना इन फॉर्मूलों को कि क्या क्या ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अब जीपी के एनएच टर्म के सम की। एनएच टर्म का सम होता है तो हम इस सम को पहले तो बात SN से डिनोट करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी सम हो, चाहे AP का सम हो या GP का सम हो, SN से हम उसको डिनोट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम फाइनाइट GP की बात करें कि मीन्स GP का एक फाइनाइट टर्म्स का हमने पोर्शन उठाया, उसका हम सम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा SN का, जहाँ पे हमारा जो ये R है कॉमन रेशियो है, A हमारी फर्स्ट टर्म है, N हम जितने टर्मों को हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे R बेसिकली हमारा होता है लेस देन 1, अगर R ग्रेटर देन 1 होता है तो यही फॉर्मूला रहता है, उसमें हम इस टर्म को आगे लिख लेते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। फिर बात करते हैं कि हम सिर्फ फाइनाइट टर्म्स का सम नहीं निकाल रहे, हम क्या निकालें, इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं। तो पहली बात यहाँ पे देखो, जैसे दो केस हैं कि r हमारा लेस देन 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है, दोनों ही केस में हम SN निकाल पा रहे हैं, कब, जब हमारी टर्म्स फाइनाइट थी। लेकिन जब टर्म्स क्या हो जाएं, इनफाइनाइट हो जाएं, ठीक है, टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए, उस केस में सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जब हम सम निकाल सके, वो केस क्या होगा, अगर हमारा कॉमन रेशियो क्या है, लेस देन 1 है, अगर हमारा कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया तो उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम एग्जिस्ट नहीं करेगा। मींस मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, जैसे हमारी फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 4, फिर नेक्स्ट टर्म 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे ये सो ऑन ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हैं ये सारे टर्म्स, ठीक है। मीन्स इसके जो एटलीस्ट जो लास्ट टर्म है, अकेली जो लास्ट टर्म, वो खुद इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मीन्स हम वो इसके लास्ट टर्म ही नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, ठीके? तो इनका सम भी क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा, मीन्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इनका सम। तो एक ही केस होता है जब सम एग्जिस्ट करता है जीपी का, वो क्या होता है, आर हमारा क्या हो, लेस देन 1 हो, और इसीलिए हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस में इन्फाइनाइट सीक्वेंस के सम की बात नहीं की, क्योंकि वहाँ पे चाहे हमारा डी, अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारा क्या होता है, डी होता है कॉमन रेशियो, चाहे हमारा कॉमन रेशियो जो है, सॉरी कॉमन डिफरेंस, चाहे डी हमारा लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस इन्फाइनाइट है तो उसका सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर ऐड होता जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने यही ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, एक बार हमने डिफरेंस लिया 1/2, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2.5, नेक्स्ट 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, चाहे हमारे डी लेस देन 1 है, फिर भी हमारी टर्म्स क्या हो रही, इंक्रीज होती जा रही है, और उनका सम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने ये पूरा डिटेल में बता दिया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस अगर इन्फाइनाइट है तो उसका सम की हम बात ही नहीं करते, ना ही आपको कहीं पे फॉर्मूला मिलेगा, सिर्फ वहाँ पे हम पढ़ते हैं nth टर्म के सम की बात करते हैं। वहीं यहाँ पे हम GP की अगर बात करते हैं तो एक केस ऐसा होता है जहाँ पे सम एग्जिस्ट कर रहा था, वो होता है जब हमारा कॉमन रेशियो क्या हो, लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो सिर्फ फाइनाइट टर्म्स का ही सम हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ पे सम बोलेंगे फाइनाइट टर्म्स, ऐसा नहीं बोलेंगे फाइनाइट GP, ये काफ़ी बुक्स में भी गलत लिखा होता है, और काफ़ी टीचर्स तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी बच्चे भी इसको क्या पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं। तो वहाँ पे टर्म्स हमेशा फाइनाइट होती है, ना कि कभी सीक्वेंस फाइनाइट होती है। तो यहाँ पे हमने देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मैं एक बार आपका रिवीजन करा रहा हूँ। AP की nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। AP में सम ऑफ n टर्म्स क्या था, n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी या इसी फॉर्मूले को हम दूसरी टाइप से लिख सकते हैं, टू ए इंटू ए प्लस एल लिख सकते हैं हम या इसको, या ए एन लिख सकते हैं, मीन्स एन एथ टर्म है हमारी, ठीक है, जो पोर्शन का हम सम निकाले उसकी लास्ट टर्म है। ये हो गया ए पी की बात। वही अगर हम बात करें जी पी की, तो जी पी की एन एथ टर्म का फॉर्मूला था ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से लिख रहा हूँ, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। फिर हम इन्फाइनाइट सम की बात करें थे लेकिन हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो इन्फाइनाइट जो सम होगा, इन्फाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा, एस यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे टर्म्स क्या हैं, इन्फाइनाइट है, तो ए अपॉन वन माइनस आर, ये क्या होता है, इन्फाइनाइट टर्म्स का सम होता है, और यहाँ पे आर क्या होगा, हमारा लेस देन वन होगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है और हमने दो ही चीज़ें पढ़ी है, अर्थमेटिक सीक्वेंस और जीपी, लेकिन हमने ऐसा पढ़ा है इनको कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, और इतना ज़्यादा डिटेल में आपको मैं गारंटी लेता हूँ किसी एक सिंगल बुक में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हम इसके बेस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है वो भी सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ इन्फाइनाइट रो ऑफ बॉक्सेस इज अरेंज, हमारे पास इन्फाइनाइट बॉक्सेस हैं, उनको क्या किया है, अरेंज किया है एक रो में, ईच बॉक्स हैज हाफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रीवियस बॉक्स, और जो भी बॉक्स है ईच बॉक्स वो उससे पहले वाले बॉक्स से उसकी वॉल्यूम क्या है, हाफ है। इफ द लार्जेस्ट बॉक्स हैज द वॉल्यूम ऑफ 20 cc, जो सबसे लार्जेस्ट बॉक्स है उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, 20 cc है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझे ये बताइए, जो लार्जेस्ट बॉक्स है वो कौन सा होगा, सबसे पहले वाला, बीच वाला, या सबसे लास्ट वाला, या इनके अलावा और कोई भी बॉक्स सबसे बड़ा होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, हर एक बॉक्स की वॉल्यूम अपने पिछले वाले बॉक्स से क्या है, हाफ है। मीन्स जो ये बॉक्स है, हम जिस बॉक्स की बात कर रहे हैं, इसकी वॉल्यूम इससे पहले जो था उससे हाफ थी, और जो इससे पहले वाला है वो अपने उससे पहले वाले से हाफ है। मीन्स जो सबसे जहाँ से स्टार्ट हुआ था बॉक्स का जो रो है, मीन्स जो सबसे पहला बॉक्स था उसकी वॉल्यूम सबसे क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो मीन्स जो फर्स्ट बॉक्स है, हमने ये बना दिया यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स है, इसकी वॉल्यूम क्या है, 20 cc है। नेक्स्ट जो बॉक्स आएगा उसकी वॉल्यूम इससे हाफ होगी, मीन्स 10 होगी। नेक्स्ट जो बॉक्स आएगा उसकी 5, फिर नेक्स्ट की 2.5, एंड सो ऑन, ऐसे ये इन्फाइनाइट रो चलती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मान लूँ, चलो हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा साइड में रख देते हैं, मैंने मान लिया जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी वॉल्यूम क्या है, वी वॉल्यूम है, चाहे वो 20 हो, 30 हो, 100 हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमने मान लिया उसकी वॉल्यूम वी है। देन जो नेक्स्ट बॉक्स होगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इससे हाफ होगी, मीन्स 1/2 ऑफ वी। देन जो नेक्स्ट थर्ड बॉक्स होगा उसकी वॉल्यूम इससे हाफ होगी, ठीक है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम ऑफ वी। जो नेक्स्ट बॉक्स होगा उसकी वॉल्यूम इससे हाफ होगी, मीन 1/8 टाइम्स ऑफ वी, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑल बॉक्सेस, इन सभी बॉक्सेस की जो कुल वॉल्यूम है वो हमें बताना है। तो कुल वॉल्यूम मीन्स हम क्या करेंगे, इनका सम करने वाले हैं, ठीक है, तो प्लस प्लस एंड प्लस एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने v अगर कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड + 1/16। अगर आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हो या ऐसे करके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपका बस एक छोटा सा काम है, आपको ये पहचानना है ये जो एक सीक्वेंस टाइप में बन रहा है ये AP है या GP है, ठीक है। तो AP में क्या होता था, हर दो टर्म का डिफरेंस क्या होता था, सेम होता है कंटिन्यूस। तो इन दोनों का जैसे मैं बात करूं डिफरेंस की, तो क्या है, 1/2 है, यहाँ पे डिफरेंस 1/4 है, यहाँ पे 1/8, ठीक है, ऐसे ही डिफरेंस चलता आ रहा है, अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं, सेम नहीं है, तो AP नहीं हो सकता। अब बात करते हैं GP की, GP में क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो हर दो कंटिन्यूस टर्म का, तो पहले मैंने ये लिखा 1/2/1, रेशियो क्या है, 1/2, फिर मैं इन दो टर्म्स का निकालूंगा, 1/4 अपॉन 1/2, 2 पर जाएगा तो 2/4 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से भी 1/2 है। फिर नेक्स्ट मैं देखूंगा 1/8 अपॉन 1/4, ये क्या हो जाएगा, 4/8 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से भी क्या आ रहा है, 1/2। मीन्स हर दो टर्म का जो रेशियो है हमारा क्या आ रहा है, वो 1/2 हाफ आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में बता भी रखा है, हम हर टर्म का क्या कर रहे हैं, हर नेक्स्ट टर्म का 1/2 टाइम्स, जहाँ पे टाइम्स आता है वहाँ पे GP आ जाता है,
ठीक है। तो ये एक जीपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है वो 1/2 है, और इसका सम निकालना है। और ये इन्फानाइट जीपी है, और इन्फानाइट जीपी का सम तभी आता है जब उसका आर क्या हो, लेस देन 1 हो, और ये लेस देन 1 है। तो इसका जो सम का फॉर्मूला था वो क्या था, ए अपॉन 1 माइनस आर मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। तो नीचे क्या जाएगा, 1 अपॉन 1 में से 1/2 गया है, 1/2 बजेगा, और ये ऊपर इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या जाएगा 2। इस जो सम की वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 आ गई, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, वी से। तो 2 टाइम्स ऑफ वी, ये टोटल वॉल्यूम आ गई इन सभी बॉक्सेस की। तो अब हम वी की वैल्यू यहाँ पे रखते थे, वी को हम किसको कंसिडर किया था, लार्जेस्ट बॉक्स की वॉल्यूम वो क्या थी 20। तो 2 इंटू 20 मीन्स 40, ठीक है, 40 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 40 cc, इन सभी बॉक्स की वॉल्यूम क्या होगी, 40। तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे कि भाई पहला ही बॉक्स क्या है 20 cc का, फिर उससे नेक्स्ट 10, फिर 5, फिर 2.5, तो हमें दिख रहा है 30, 35 एंड 37.5, तो यहाँ तक ही हो गया। और ऐसे क्या है, इन्फानाइट बॉक्स है, तो इन्फानाइट मीन्स इतने सारे बॉक्स हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, और उनकी वॉल्यूम सिर्फ 2.5 आ रही है ना, इंटरेस्टिंग। तो इसलिए मैथ इंटरेस्टिंग भी है, टेढ़ा भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।